हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साक्षर इंडिया में। दोस्तों, महाराष्ट्र शासन ने रेशन कार्ड से संबंधित एक नया जीआर निकाला है, जिसके तहत अब नए रेशन कार्ड भी बनेंगे और जो नए रेशन कार्ड बनेंगे उन लोगों को रेशन कार्ड के साथ अब अनाज भी दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों, जो नए रेशन कार्ड बनते थे या जो लोग अपने फैमिली से अलग होकर नए रेशन कार्ड बनवाते थे उन लोगों को रेशन कार्ड पे किसी तरह का अनाज नहीं दिया जाता था, मगर अब इस जीआर के हिसाब से आप सभी लोगों को रेशन कार्ड भी मिलेगा और रेशन कार्ड के हिसाब से उनको अनाज भी मिलेगा। तो क्या है इस जीआर में और किस तरह से आपको इसका फायदा होगा और किन जिलों की इसमें नाम है, ये भी आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिला निहाय स्टांग में बदल करने के लिए ये जीआर निकाला गया है। आप देख सकते हैं, अन्न नागरिक पुरोटा ग्राहक संरक्षण विभाग 18 फरवरी 2022 का ये जीआर है। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत शहर और गांव के स्टांग दिया गया था, जिसमें शहर और गांव की संख्या निश्चित की गई थी। इसके बाद 2015, 2017, 2018 और 2019 और 2021 में भी शहर और गांवों के स्टांक में बदलाव कर स्टांक बढ़ाए गए थे, मगर लोगों की डिमांड के हिसाब से ऊपर दिए गए स्टांक संख्या कम पड़ रही थी। 2021 में सभी रिकॉर्ड रेशन कार्ड होल्डर से सालाना उत्पन्न और कुटुंब के सभी सदस्यों का आधार कार्ड और सभी कुटुंब से हमी पत्र लेकर एक विस्तीर्ण डाटा प्रणाली बनाई थी, मगर फिर भी लोगों की डिमांड के हिसाब से स्टांक की संख्या कम पड़ रही थी। फरवरी 2022 के जीआर के हिसाब से अंत्योदय और प्राधान्य कुटुंब लाभार्थियों की जिला निहाय संख्या पर चुनाव किया जाएगा। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के हिसाब से जिन लोगों को कम पैसों से अनाज मिलता था, ऐसे सभी रेशन कार्ड के जो ज्येष्ठ महिलाएँ हैं उनको कुटुंब प्रमुख का दर्जा दिया जाएगा। इस तरह से सभी राज्य में जिला निहाय पीले केसरी राशन कार्डों की संख्या बढ़ाई जाएगी। नीचे जिला निहाय नई संख्या जारी की गई, जहां से आप अपने जिले का नाम भी देख सकते हैं। इस तरह दोस्तों, अब सभी महाराष्ट्र के जिलों को एक नया रेशन कार्ड का जो पुरोठा होने वाला है उसका जीआरए 16 फरवरी 2022 को निकाला गया है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।